सो 15 अगस्त सुबह करीबन 6:40 के आसपास रन स्टार्ट हुआ और शाम को मैंने जो रन जो है वो करीबन 78 किलोमीटर मनोर के पास में कंप्लीट किया एंड वो करीब 9:30 के आसपास का टाइम हो गया था। केटी रिजॉर्ट में रुके थे तो फर्स्ट डे का वो रन एक्साइटमेंट के साथ में ख़त्म हुआ। तो अब सेकंड डे जब मनोर से हमने रन स्टार्ट किया, सो जैसे हम कहते हैं ना कि आपको एक जर्नी स्टार्ट करनी होगी, कारवां बनता जाएंगे और लोग जुड़ते जाते हैं। तो इसी तरह से ऐसा हुआ कि दो किस्से हैं मज़ेदार। हमारे सायन के जो फ्रेंड्स हैं, अजीत सिंह जी है, सतपाल सिंह जी है, देन एसपी सिंह है एंड हमारे तलवार अंकल है, ही तलवार अंकल 64, 65 प्लस अभी तो हो गए एंड उन्होंने करीबन 100 हाफ मैराथन रन कर चुके हैं वो। तो फर्स्ट डे जैसे हमने मनोर से मैंने रन स्टार्ट किया सुबह, और शेड्यूल यही होता था कि सुबह 4 बजे उठना है, रेडी होके करीबन 5:30 बजे के आसपास जो है निकल जाते थे, तो गाड़ी में सब पैकिंग वगैरह करके। सो मनोर से जो नेक्स्ट जो स्टॉप था, तो वहाँ पे मुझे एक कॉल आया जब रन कर रहा था, तो वो कॉल था कलकत्ता से। नाउ मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं अपने इंटीरियर के जो बिज़नेस में इतने साल मैंने किया है, कितने कम दोस्त बना पाया हूँ। ये स्पोर्ट्स है जिसने मुझे इतने लोग दिए, इतने दोस्त दिए, इतना कॉन्फिडेंस दिया। सामने से एक फ़ोन आया, हेलो कैन आई टॉक टू राज वड़गामा? बोला या यू आर स्पीकिंग, सॉरी सर आई एम टॉकिंग टू, एम आई नॉट डिस्टर्बिंग यू? बोला नो नो नो, टेल मी आर यू रनिंग? बोला या आई एम रनिंग, सो कैन आई कॉल यू आफ्टरवर्ड? सर डोंट वरी, आई हैव अ हैबिट टू टॉक व्हेन आई एम रनिंग, सो यस टेल मी। तो व्हाट ही सेड, बोले मेरा नाम तुषार त्रिपाठी है, दो फॉन्डली आई कॉल हिम पंडित जी, जो कलकत्ता में रहते हैं, कभी नहीं मिला उनसे मैं। एंड उन्होंने क्या कहा कि सर मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ आपको कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। सो आपका रूट कैसा है, मैंने चेक किया है, तो वो रूट में एक कंपनी आती है, वहाँ पे आप रुकेंगे क्या? मैंने, मेरे ब्रदर है वो वहाँ पे जॉब करते हैं, बड़ी पोस्ट पे, तो आई हैव अरेंज्ड एवरीथिंग, वहाँ पे लोग आएंगे, आपको रहने का हो जाएगा, ये दे विल लुक आफ्टर योर फूड ऑल्सो, उन्हें बहुत सारी चीज़ें होगी। आई सेड फेयर इनफ। तो गाइज, दैट इज़ अतुल इंडस्ट्रीज, द गाय हु कॉल्ड मी फ्रॉम तुषार फ्रॉम कलकत्ता, हिज नेम इज़ तुषार त्रिपाठी, जिन्होंने कॉल करके अपने ब्रदर से बात किया कि बॉस ये ऐसा ऐसा बंदा है जो इंडिया का रिकॉर्ड करना चाहते हैं इंडिया में, एंड ही इज़ रनिंग 10,000 किलोमीटर, तो यू डू वट एवर द बेस्ट यू कैन डू दैट। सो ठीक है, करते करते मैं पहुँच गया, अतुल इंडस्ट्रीज़ में पहुँचा। अतुल इंडस्ट्रीज़ में एक्चुअली पहले भी मैं जा चुका था, जैसे हमने NDTV रन किया था मैंने, जब भी NDTV अहमदाबाद से बॉम्बे या फिर दिल्ली से बॉम्बे, तो अतुल इंडस्ट्रीज़ में एक बार मैं रुका भी था वहाँ पे। तो देन ठीक है, एज यूजुअल जैसे गए, काफ़ी लोग थे एंड सबसे बड़ी बात तो मैंने देखा कि इतने सारे बच्चे थे, करीबन 150-200 बच्चे लोग आ गए थे मेरे साथ में। देन मैं आई वॉज सरप्राइज, मतलब ये क्या हो गया, आई मीन ठीक है डिस्टेंस तो काफ़ी करना था, लेकिन जब मैं पहुंचा उसके बाद में अतुल इंडस्ट्रीज़ का एरिया जो है बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया है, कम्प्लीटली सराउंडेड बाई ट्रीज एंड ग्रीन एंड नेचर का बहुत उन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। सो वन पर्सन केम, ही सेड राज सर माई नेम इज़ कैप्टन हंचनालकर। सो मैं बोला यस सर, थैंक यू। तो आर्मी के लोग जब बात सामने आते हैं तो आपका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है। सो कैप्टन हंचनालकर अतुल इंडस्ट्रीज़ में सिक्योरिटी के हेड थे, जो पूरा अतुल इंडस्ट्रीज़ का जितना भी सराउंडिंग एरिया है उनके अंडर में था, दे ही लुक आफ्टर दैट। तो जैसे मैं पहुंचा, बच्चों के साथ में रन किया, बच्चों के साथ में मस्ती मजाक की, वी डिड लॉट ऑफ फोटोग्राफी एंड कैप्टन साहब ने
हमें बहुत अच्छा एक उनके जो एग्जीक्यूटिव रूम थे उन्होंने वहाँ पे बंदोबस्त कर दिया था। जैसे मैं रूम में गया तो मैंने देखा कि एक फ्लावर रखा हुआ है एंड बहुत बड़ा दूध का ग्लास रखा हुआ है तो गरम, देन इट वाज फैंटास्टिक। इट वाज ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस दैट समबडी इज दे डजंट नो यू बट दे केयर सो मच अबाउट यू कि जो आप कर रहे हो उसके लिए हमारा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपके लिए। तो वो छोटा सा एक दिन 24 घंटा शायद होगा, रात को मैं और मेरी टीम ठीक तरह से बहुत अच्छा खाना बनाया था। तो दूसरे दिन कैप्टन साहब सुबह आए, हम उन्होंने पूछा कि आपका शेड्यूल क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया कि हम 4 बजे उठते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है सर आप एक काम करिएगा, आप सुबह अपना आइएगा, हमें कुछ मीडिया को बुलाया हुआ है, तो मैं हम चाहते हैं कि आपका ये जो जर्नी है वो पूरे भारत में सभी लोगों की तरफ सभी लोगों को पता चले कि आप ये कर रहे हो करके। देन यस, सुबह हमने उठे, सुबह करीबन 1-2-3 किलोमीटर रन कर लिया, तो वो रन करने के बाद में फिर ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया, तो ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके फिर अगेन मीडिया आई और मीडिया के साथ में हमारा बहुत सारा इंटरेक्शन हुआ, आप क्यों रन कर रहे हो, कैसे रन कर रहे हो, तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या होगा। मैसेज जो यही था कि इंडिया में रनिंग कल्चर को डेवलप करना है, हिडन टैलेंट को ले आना है बाहर, और जो बहुत सादा सिंपल स्पोर्ट्स है उसे अगर हम लोग ने अच्छी तरह से अगर बना के लोगों को उसके बेनिफिट समझाएं तो ये बहुत अच्छा होगा पूरे इंडिया के लोगों के लिए। तो खैर, तो इस तरह से हम सुबह करीबन समझ लो कि 9:30-10 बजे का टाइम था। एंड सबसे मज़े की बात बताओ, जैसे हमारे मैंने बताया कि जो हमारे सरदार फ्रेंड थे, सरप्राइजिंगली ये सभी लोग सायन से लेके ड्राइव करके गाड़ी में 2 गाड़ियां भर के आए और वहाँ पे मुझे मिले। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं सायन में खालसा कॉलेज में ट्रेनिंग भी करवाता था उनको, तो बहुत अच्छा लगा उनको मिलके। वो आए, मतलब अजीत सिंह जी है, सतपाल सिंह है, देन एसपी सिंह साहब है एंड तलवार अंकल है, तो और अजीत सिंह जी का बेटा भी था, तो हमने फिर और एक वहाँ पे दौड़ लगा ली, 8 किलोमीटर का एक रूट होता है अतुल इंडस्ट्रीज़ में, तो एक रन किए। सभी जो हमारे सरदार दोस्त थे उन्होंने एक गुरुद्वारा से एक कपड़ा ले आए थे जिसे वो गुडविल कहते हैं, केसरी रंग का, आपने केसरी मूवी तो देखी होगी, तो एक फटका था जो केसरी बांध के, वो केसरी रंग का जो फटका है वो आज भी मेरे पास है, आज 5 साल हो गए, आज भी मैंने रखा हुआ है वो। तो देन दे सपोर्टेड मी सम, मुझे उन्होंने कमर्शियली कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उन्होंने बोला लास्ट जब फर्स्ट डे पे हम नहीं आ पाए थे आपके साथ में तो यह हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट रखी है, एंड अगेन सबको गले मिले एंड मेरी नेक्स्ट जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई। तो बस यही थे कि एवरी टाइम आप कुछ करते हो, एवरी टाइम अगर आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो बिलीव मी अगर आपने वो चीज़ अगर दिल से की होगी तो ऐसे कई लोग मिल जाते, कई लोग आपके साथ में आ जाते, एंड उसी का नाम हम कहते हैं कि यस, यही तो है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द ह्यूमैनिटी एंड टूवर्ड द स्पोर्ट्स, वेरी वेरी न्यू स्पोर्ट्स विच इज़ नॉर्मली व्हाट वी कॉल्ड इज अ रनिंग। तो उस दिन जो था अतुल इंडस्ट्रीज से सूरत का जो डिस्टेंस था थोड़ा ज़्यादा है, बट हमारा नेक्स्ट स्टॉप वो सूरत में ही था, तो उस दिन थोड़ा पुश करके मैंने करीबन सुबह 4:30 बजे रन स्टार्ट किया था। थोड़ा टाइम बीच में जो मीडिया का इंटरेक्शन वगैरह के लिए गया, अतुल इंडस्ट्रीज़ में कुछ प्लांटेशन भी किए मैंने, तो वो भी एक बहुत एक्साइटमेंट रहा कि आज भी शायद वो पेड़ वहीं पे होगा, तो जाने को तो मन करता है कि जाके देखूं वो पेड़ है कि नहीं, जाने को तो मन करता है कि कैप्टन हंचिनालकर कैसे है, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एंड करीबन 17 अगस्त को 85 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, लेकिन वो रन कंप्लीट करते करते 11:30 बज गए थे। बट इन ये सभी चीज़ों में जो सबसे बड़ा रोल रहा है मेरे डॉक्टर्स और फिजियो का, कि एवरी डे सुबह जब उठता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं,
बेसिक मेडिकल पैरामीटर चेक करते हैं एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो अगस्त का टाइम था, तो जैसे रन करते हैं दोपहर को धूप में तो इन्फेक्शन हो जाता है आँख में गर्मी की वजह से। तो देन फिर ऑफकोर्स आई ड्रॉप लिए, डॉक्टरों ने सपोर्ट किया, कुछ बहुत सारे ब्लिस्टर हो गए पैर में। तो खैर ये तो होना ही था, पहले से ही पता था। तो जैसे ही 11 बजे पहुँचे हम लोग सूरत में, बहुत अच्छी तरह से लोगों ने हमें वेलकम किया। एंड सूरत में क्या हुआ इसके बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा अगले किस्म में। थैंक यू वेरी मच।